छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ से अगवा करने के बाद किशोरी को हरियाणा में बेचा, बलात्कार के मामले में 7 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से इस साल अक्टूबर में 15 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उसे हरियाणा में एक व्यक्ति को बेच दिया गया, जिसने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पुलिस ने लड़की को छुड़ाने के बाद इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक कोरिया कविता ठाकुर ने कहा कि जिले के पटना थाना क्षेत्र से लापता हुई पीड़िता को 2 माह बाद सोनीपत हरियाणा से छुड़ाए जाने के बाद इस सिलसिले में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, लड़की का इस साल 11 अक्टूबर को उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह अपने परिवार के साथ दशहरा उत्सव देखने गई थी। पुलिस ने तब मामला दर्ज किया था और ठाकुर की अगुवाई में जांच शुरू की गई थी। ठाकुर ने कहा कि जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और पीड़िता के ठिकाने के बारे में सुराग मिलने के बाद पुलिस टीम को हरियाणा भेजा गया, जहां से लड़की को छुड़ाया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, जांच में पता चला कि लड़की का अपहरण कर उसे 35 वर्षीय व्यक्ति को बेच दिया गया, जिसने कथित तौर पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि सोनीपत के एक व्यक्ति के अलावा मंगलवार को 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को कोरिया से, 2 को कोरबा से और 1 को सूरजपुर से गिरफ्तार किया गया। इन पर पीड़िता को अगवा करने और बेचने का आरोप है। ठाकुर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बाल संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।